अरे तुम केदारनाथ गया था इधर ही, रामबाड़ा के आगे क्या हुआ? रामबाड़ा के आगे तो भैया हुआ ये कि इस रास्ते को हमने जितना आसान समझा था ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। रामबाड़ा आते आते हम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके थे, लेकिन आने के बाद हमें पता लगता है कि ये पूरे रास्ते का आधा पार्ट भी नहीं है। अभी हम अप्रॉक्स रामबाड़ा आ गए हैं। एंड जो एक बार आपने जब 2013 में जो न्यूज़ चैनल पे वो जो पिक्चर्स दिखाई जाती थी, जिसमें कि वो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो गिर रही थी, बहुत सारे घर जो गिर रहे थे, वो उसी जगह का है। ये जो आप आगे में देख रहे हो ये सब पूरा ये हुआ, और आगे में भी दिखेगा इसका और अच्छे से दिखेगा, वो पूरा मलबा पड़ा हुआ है, वो काफ़ी ऐसा था। चले चलते आगे चढ़ाई शुरू करते, बहुत बहुत भाग गया है देखो, पूरी ऐसे पूरा ऐसे ऐसे चढ़ गया, बहुत बहुत बढ़िया लगता है। उधर की ओर जाना है, और उधर की ओर सिर्फ वसी तक नहीं और पीछे, क्योंकि वो जब पीछे देखो ना थोड़ी थोड़ी जो हिमालय दिख रहे हैं आपको, उसको हम कब से फॉलो कर रहे हैं एंड उसको बहुत आगे तक भी फॉलो कर रहे हैं, कि हिमालय के जस्ट आगे में है शिरडी। ऐसे सीधे सीधे चढ़ाई करनी एकदम ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पूरा, पर इन सभी थकावटों के बीच चाहे जो कहो मज़ा बहुत आ रहा था। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। बहुत स्टीप चढ़ाई, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर भोले। बातचीत हो रही है घोड़े के लिए, अभी तक ये बातचीत जो है ये सातवीं आठवीं बातचीत है। जैसे रामबाड़ा से आगे चलते हैं हमें पता लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है, मतलब दीदी तो बिल्कुल असमर्थ हो गई थी चढ़ने में, तब जाके फिर हमने खच्चर किया। क्योंकि दीदी के लिए खच्चर किया था तो मैंने बोला मैं भी ट्रायल ले लेता हूँ। तो अभी देखा आपने कि मैं घोड़े से जा रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं घोड़े से नहीं जा रहा, मैं बस दो कदम के लिए बैठा था, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस की खच्चर का एक्सपीरियंस है कैसा। अभी दीदी जा रही है, दीदी जाएगी घोड़े से, बेचारी से चला नहीं जा। एंड मामा जी उसके साथ साथ पीछे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड वो दोनों आई गेस 2 से 2.5 घंटे पहुंच जाएंगे, या थोड़े कम में ही पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। चढ़ते चढ़ते काफ़ी ऊपर चढ़ तो गए हैं, पर अभी और काफ़ी ऊपर चढ़ने हैं। पीक पे चढ़े जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो अभी ऑर्डर दिया है मैगी एंड पराठा अगेन, तो भी रुके हुए यहाँ पे मैगी खाने के लिए। देखो सीनरी के पास पहाड़ी पहाड़, मिलते पानी यहाँ पे फ्री में एक यही तो फ्री में मिलता है यहाँ। आप बहुत ज्यादा दूर है, वो सामने दिख रहा है, एकदम सामने दिख रहा है, सबसे हाई साइड पे आप देख रहे हैं ना, बस तो ज्यादा दूर नहीं। पीछे देखो एक बार बादल के पीछे का, बहुत ज्यादा चढ़ने के बाद आए फिर भी अभी बहुत ज्यादा है। ये है पुराना मार्ग, हाँ उधर से ये पुराना जो मतलब आप देख रहे हो ना उधर से पुराना रास्ता था, कोई नया रास्ता इधर से। ओ भाई बहुत ज़्यादा बचाया,
ये लगेज है ना, जैसे दोनों कंधों की बहुत बुरी बैंड बजी पड़ी, बहुत बुरी। नहीं भी होंगे हम समुद्र स्थल से, यानी सी लेवल से, इस हाइट पे हैं अभी हम लोग समुद्र स्थल के। सी लेवल से हम लोग कितने ऊपर हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सबको लाइफ में एक ना एक बार तो केदारनाथ जाना ही चाहिए, और वो भी पैदल। मतलब आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, खच्चर से चले जाओ, लेकिन लाइफ में एक बार पैदल जरूर जाओ। ये देखो भाई, एकदम बादलों के बीच आ रखे हैं, बारिश स्टार्ट हो गई। अभी हमें ये पूरा ऐसे चलते हुए जाना है, एंड पूरा से चलते 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 एकदम एकदम पूरा, फिर एकदम उधर उधर जाना है। बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है अभी, बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो अभी वाटरफॉल इंजॉय करो, बारिश स्टार्ट हो गई। हमें दूसरी बार बारिश मिली, अभी दूसरी बार बारिश मिली है, तो अभी हम रुके पड़े हैं यहाँ पर। रुके रुके हुए होटल में, ऐसे ही रुके रुके हुए। बारिश हो गया, बारिश रुकते पे चलते हैं। और जो हमारे पास रेनकोट है, बट यार रेनकोट भी तब पहन सकते हैं जब बारिश कम हो, तेज बारिश होगा। तो भाई इसी में कहीं बारिश हो रही है, कहीं रुक रही है, कहीं ख़त्म हो रही है, फिर से हो रही है, फिर कभी धीरे हो रही है, कोई ऐसे ज़्यादा। यही सब करते करते हम चढ़ रहे हैं ऊपर, एंड अभी यहाँ से ये अच्छा खासा डिस्टेंस बचा, अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा, बट मन के मन में यही मांग चल रहा है कि बस 1-1.5 किलोमीटर रह रहा है ना, और तो नहीं रह रहा, ज़्यादा रह रहा है। तो शाम की अभी और शाम के 4:36, और हम यहाँ पे बड़ी मुंचौली से थोड़ा ऊपर भाई। तो चलते चलते काफी दूर आ गए, सामने एकदम बेस कैंप दिख रहा है, बट स्टिल वो 2-2.5 किलोमीटर है, एंड यहाँ के 2-2.5 किलोमीटर का मतलब होता है कम से कम 2 घंटे, और मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर है। इन अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 घंटे तो हमें लगने अभी चढ़ने में। अभी भी शाम के अप्रोक्सीमेटली 5:30-6 हो रहे होंगे, एंड अभी हम ले रहे हैं एक शॉर्टकट, बहुत बड़ा तो नहीं बट हाँ थोड़ा छोटा तो है, शॉर्टकट है बड़ा अच्छा खासा। ये देखो आप, तो जाना है वहाँ तक, एकदम वहाँ तक, मतलब वहाँ तक भी नहीं, वहाँ से आगे। फिलहाल तो देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शॉर्टकट्स ले रहे हैं, पहाड़ देख लो कितना ऊँचा ऊँचा। जादू के लम्हों की मेरे दिल के सभी कतरों की, मेरे दिल की ये बतिया है जो इस गुलशन की गलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल, मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये दुनिया है, यहाँ हर पल पल पल। ये है बेस कैंप ऊपर में, और हम कम से कम वो ग्रीन वाले तक तो जा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन वाले तक सिर्फ उतरना है, तो उतरते हैं। चलिए, बहुत लोग आपको डराएंगे कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये सब चीज़ें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से और निश्चिंत होकर, और एक बार तो जीवन में ट्रैक जरूर करना, मलाल ना रहे लाइफ में किसी चीज़ का, क्यों भैया एक बार तो ट्रैक बनता है, बिल्कुल बिल्कुल एक बार तो बनते हैं, बाबा के दर्शन करेगा थोड़ी तो परेशानी झेलना होगा, थोड़े तो झेलना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी मिल जाएंगे थोड़ी सी। तो भाई बहुत मुश्किलों बहुत कठिनाइयों के बाद हम लगभग पहुंच चुके हैं, स्टिल लगभग, अब लग रहा है बाबा सामने दिख रहे हैं, अब लग रहा है क्योंकि सामने मतलब बेस कैंप एकदम दिख रहा है, ठीक है, और बेस कैंप पे चढ़ते ही वो सीधा फ्लैट एकदम सामने बाबा दिख जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के दिख जाते हैं, ठीक है। तो मतलब और लगभग हम अब एक पहाड़ सिर्फ चढ़ाई रह रही है, सारी पहाड़ियाँ हमने कर ली, बस एक पहाड़ जो सामने अभी आप देख रहे हैं सिर्फ इसकी चढ़ाई बाकी है। हाँ थोड़ी स्टीप है, बट क्या करें, ठीक है सही है कोई बात नहीं, इसी का तो मजा है, यही इसी का मजा लेने तो आए हैं यहाँ पे, एकदम बहुत ऊपर चढ़ना है। लेकिन आप एक बार इमेजिन करो हम कहाँ से यहीं आ रहे हैं यार, तो जो सामने आपको एकदम सीधा जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसके बहुत पीछे से आ रहे हैं, घूमते उसको चढ़ते हुए पार करते हुए। हो भाई तो ये बज रहे हैं शाम के 6:30, एंड हम ऑलमोस्ट, फिर से बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, अभी पहुँचे नहीं है।
बिकॉज लिटरली ये उतना सच में आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं और उतना मुश्किल भी नहीं जितना आप मन में सोच रहे हैं। दोनों है, मिड का है, मुश्किल नहीं है, हौसला चाहिए बस और भोले बाबा पे विश्वास चाहिए और कुछ नहीं। खींच लेंगे, खींच लेंगे, टेंशन ना लो, हमें खींच लिया ना इतनी दूर तक, अभी आगे ऊपर और खींचेंगे, अभी बाकी है, खींच लेंगे। दीदी जो है वो खच्चर से गई थी तो दीदी और मामा पहुंचे हुए, उन्होंने वीडियो कॉल किया था, आरती दिखा रहे थे। यार हम सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए मिस कर रहे हैं यार। ओहो अभी देखो अभी पहुंच तो गए हैं पर मंदिर अभी दिखाई नहीं दे रही, थोड़ी देर मंदिर दिखेगा हमें। फर्स्ट साइट मिल रहा है हम लोगों को बाबा के, वो जो आप पिंक कलर की लाइट देख रहे हो ना वही मंदिर, इतनी दूर से अभी चलना, अभी वहाँ तक जाना है, अभी वहाँ तक जाना है, अभी आई थिंक आधा एक घंटा से अभी भी लगेगा, जा रहे हैं। बज रहा रात के 8 और अभी हम बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के सामने पहुंचने वाले हैं, स्टिल पहुंचने वाले हैं, अभी भी पहुंचे नहीं हैं, एकदम बाबा के दर के एकदम नीचे आके पड़े हम। अब 1% की हिम्मत नहीं कि यहाँ से उठ के वहाँ तक भी जा सकते, वहाँ पर हमारा स्टे है और वहाँ पर पहुँचने की हिम्मत नहीं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि यार यहाँ तक इतना ऊपर पैदल आ जाना अपने आप बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। 3:25 AM इन द मॉर्निंग एंड हमारा तो प्लान था कि 2:30 तक जग के ASAP तैयार होके मंदिर के लिए लाइन में लग जाएंगे दर्शन के लिए, बट लिटरली जो हमने चल के आए ना इतना, एंड किसी के मतलब बैग भी था, तो ये पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा टूट रहा है और ऊपर से यहाँ पर ठंड इतनी है कि शर्त लगा सकता हूँ मैं, शायद आपने इतनी ठंड ना देखी हो, अगर आप ऐसी जगह पर गए हो तो देखी हो, बट ऐसे नॉर्मल क्लाइमेट में नॉर्मल आप अपने जगह पे रह के दिल्ली में या फिर वहाँ नीचे अपना रह के आपने इतनी ठंड कभी नहीं देखी होगी जितनी ठंड यहाँ पर भी है, और बीच बीच में बारिश भी हो जा रही है तो और ठंड बढ़ जा रही है। कहते हैं कि बाबा जब तक जाएंगे नहीं तब तक दर्शन नहीं होगा। कल रात में 8 बजे गए हुए हम, सुबह के 4 बज रहे हैं, अभी मैं आ रहा हूँ मंदिर के पास, जस्ट मंदिर के पास ही स्टे कर रहे हैं, बट फिर भी मैं अभी आ रहा हूँ। बॉडी इतनी बुरी तरीके से टूट रखी थी, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये अभी जब से मैं पहली बार आ रहा हूँ मंदिर के सामने, सुबह के 4 हो जाते हुए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, अभी तो मंदिर के गेट भी खुले। आंसुओं से रंगी देख कर आंख है चल की सी, तस्वीर है खून के रिश्तों की जो मेरी सांसों में है बसी। किसी कागज की बढ़िया